इट्स समथिंग आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, बबल आप अंदर फील करते हो, वो हार्ट में फील करते हो, माइंड में दौड़ रहा है, इट्स एवरीवेयर इन द ब्लड. आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ओके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई आपकी मूवी क्लैश हो रही है ओरी से लेकर, सो डू यू थिंक कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी क्योंकि बड़ी बजट की मूवी है, एक बड़ी स्टार है उसमें, कोई कहीं ना कहीं आपको मूवी को क्लैश या इफेक्ट होगी? मैं किसी बड़े आदमी का नाम नहीं ले चाहूँगा, ना बड़े पिक्चरों का नाम लेकर, आप 6 महीने की ट्रेंड उठा के देखिए, अंडरडॉग्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल. मेरी वही जैसे कि ब्रजेश सर ने भी बोला था कि उनका एक उनकी फिल्म रियलिटी भी बेस्ड है, हमारी टोटल फिक्शन है. और रही बात आने की, तो मुझे लगता है कि हमारी फिल्में, उनकी फिल्में डेफिनेटली बहुत अच्छी है, रोनी स्क्रू वाला है अपना, विकी कौशल है, डेफिनेटली अच्छी होगी, बट हमारी भी कम नहीं है. और हमारा टिपिकल बॉलीवुड मसाला है, और इंसान अंदर जाएगा उसके बाद बाहर आएगा तो डेफिनेटली चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा. अच्छे गाने हैं, एक्शन फिल्म है, वॉर फिल्म है, और आई थिंक हम लोग भी डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, आप सबको ये प्रॉमिस है. भाई था ना, भाई था, गॉडफादर नहीं था, भाई था, भाई था, भाई था. आई थिंक देखिए, मैं उस चीज़ में वो चीज़ नहीं बोलूँगा कि ठीक है, हर इंसान का अपना अपना काम करने का तरीका है. लाइक अगर मैं उसे नेपोटिज्म नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर एज अ प्रोड्यूसर मैं सोचूँ, अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर हूँ तो डेफिनेटली अगर मैं फिल्म बनाना चाहूँगा तो मैं अपनी किसी खास को लॉन्च करना चाहूँगा. बट हाँ, ये है कि वो आई थिंक जल्दी आ जाते हैं, हम लोग को थोड़ा सा वक्त लगता है, तो अब ये हमारा टाइम, अब हम आएंगे इंशाल्लाह. इट्स बेसिकली आजकल स्क्रिप्टें चल रही हैं, वेरी गुड एक्टर ये सलमान बढ़ेगा बड़ा होके, थोड़ा और आगे कि सलमान बनेगा. दिस इज माय ब्लेसिंग, सलमान जैसा कोई नहीं हो सकता. ओके सर, लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस को? अपने फैंस से बस यही गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अब तक जिस तरीके से प्यार देते आए हैं, और वैसे ही प्यार दीजिए. पहली फिल्म है हम तीनों आपके सामने बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत दिल से फिल्म बनाई है, पहली फिल्म है, तो आप सबका प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए. और यस, प्लीज़ 11 जैन को जाइए, 11 जैन 2019 फिल्म देखिए, और उसके रिव्यूज़ भी बताइए हमें, तो हमें आप सबका इंतज़ार है कि प्लीज़ आप देखें और हमें ढेर सारा प्यार. सी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शाहरुख सर एंड सलमान सर, इसके आगे कुछ नहीं. ओके, लगान से कोई इंस्पायर तो नहीं है? लगान जो मैच आप मेंशन कर रहे हैं, इट इज़ नथिंग, इंस्पिरेशन कुछ नहीं है. लगान में कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है, ये आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी. लगान वॉज एन एरा फिल्म जो बहुत पुराने टाइम में जब अंग्रेज आए थे, ये हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑन अ वेरी डिफरेंट, नथिंग टू डू विद लगान. लगान इज वेरी डिफरेंट, वी आर वेरी डिफरेंट. सब जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, टचवुड, और बहुत ही इमोशनल भी रही है, बहुत ही इंटरटेनिंग भी रही है, बहुत से लोगों का प्यार मिला है. और टेलीविज़न से आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि टेलीविज़न करते करते अभी है, तो उसके बाद मुझे फिल्म मिली है. और आई थिंक लोग कहते हैं कि अभी टेलीविज़न और बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, आई थिंक अब वो बचा नहीं है, बिल्कुल करीब है. तो आप आज की डेट में मेरे ख्याल से चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे वो बॉलीवुड हो, सिर्फ कंटेंट चलता है. तो और यस, अभी तक बहुत ही अच्छी जर्नी रही, इंशाल्लाह दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसी रहे, और जैसे ही आप सबका प्यार मिलता रहे तो वैसे मिलता रहे. यस, फिनाले में है और बहुत ज़्यादा खुशी है उसको देख के, एंड बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है उसको देख के, कि जिस तरीके से डिग्निफाइड में उसने अपनी पूरी जर्नी तय की है. तो अब बस उम्मीद करता हूँ कि इतने आगे तक आ गए हैं, तो बस थोड़ा सा और बचा है फिनाले, तो आई होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा हो, जो भी हो इंशाल्लाह, जीत के आएगी तो खुशी होगी, और नहीं भी जीत के आएगी तो भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम मुझे पता है, हम लोग जानते हैं कि उस भले वो ट्रॉफी ना जीते लेकिन उसने क्या जीता है, लोगों के दिल जीते हैं, वो शायद आपको बाहर आके ही पता चलेगा उसे. थैंक यू सो मच, and I'm really happy for having you all here. My character is, it sets me apart from the film. Actually, it's a very bubbly kind of a character. So jitni seriousness hogi film mein, to whenever you know, you'll watch me, you'll feel lighter. So that's how that's the part in the film. Okay, ma'am, I have not wrong, it's your debut movie. What was the reason to do this movie?
because most of the people choose glamorous role for the Yeah, basically, you know, while I did not choose this film, I think the film chose me. When I met Mr. Brijesh Bhattacharya Tripathi, and that's how we came across each other, and he liked me for the character he was looking for Bijli. The way I played the character, he picked me with the first meeting itself. So I think he chose me, I did not choose. Okay, what was the challenges you have faced while shooting in a real location? It was great. It was altogether a new experience because it's like you know, we everybody has worked hard, not just actors. I feel that even the director and everyone, for everybody to set a real location and bring into, you know, on screen, on a canvas, it's a difficult part, and everybody has put in everything. So it was great. I mean, yeah. मैंने अभी कहा कि मैं शोएब और दीपिका इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट कपल. एंड जब मैं शोएब के साथ शूट कर रही थी उस टाइम पे दीपिका के हाथ के बने कुछ ना कुछ चीज़ें आती थी सेट पर, और मैं थोड़ी सी सरप्राइज होती थी कि कोई इतना अच्छा कैसे बना सकता है, बिकॉज आई एम अ वेरी बैड कुक. सो मैंने पर्सनली कॉल किया था दीपिका को, एंड मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया था. और आज मतलब मेरा जो इम्प्रेशन दीपिका का जो मुझ पर था, दैट शी इज़ सच अ हम्बल पर्सन, सच अ नाइस पर्सन, वो चीज़ मैं जब देखती हूँ आज बिग बॉस की स्क्रीन पर दीपिका को, आई फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर दैट शी इज़ बीन कंसिस्टेंट. एंड मैंने अभी शोएब से कहा दैट यू नो आई हैव अ गट फीलिंग दैट दीपिका इज़ गोना विन द टाइटल. करण आई थिंक, करण या तो श्रीशांत, करण या श्रीशांत, दैट्स व्हाट आई थिंक. बट समहाउ आई फील दैट दीपिका इज लीडिंग अहेड काफ़ी हद तक. ओके मैम, फाइनली क्या कहना चाहेंगे, आपकी मूवी 11 को रिलीज हो रही है, व्हाट यू लाइक टू से टू योर फैंस? आई वुड लाइक टू से कि अब तक आपने मुझे जितना प्यार दिया है, प्लीज़ जाके फिल्म देखिए, सबने बहुत मेहनत की है. एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ फिल्म लाइक वॉर बेस्ड, प्लस देयर इज लॉट एंड लॉट सरप्राइज एलिमेंट्स इन द फिल्म, एंड आई एम डैम श्योर दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू. दिस इज़ गोइंग टू कीप यू हैप्पी फेसेस व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर मल्टीप्लेक्स. थैंक यू, थैंक यू मैम, ब्लेसिंग. Merry Christmas to everyone. I think Santa Claus, जैसे बचपन में कहते थे parents की gifts देते हैं, so I somehow feel that Santa Claus is blessing me this year. And also I have great hopes from the year 2019. I have a resolution to work harder than before, and I also want my fans to have some resolution in their life for at least one year, and please follow it. ऑल्सो मैं विश करती हूँ कि आप सभी का न्यू ईयर बहुत अच्छा हो, और आने वाला साल उससे भी ज़्यादा अच्छा हो. प्लीज़ गो एंड वॉच बटालियन 609. थैंक यू. आ जा, हाँ या आ जा, हाँ ठीक है बैठ जा, बैठ जा स्पर्श, बैठ जा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, ये अत्याचार है हमारे. ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, माइक रखा है नहीं. वेल आज हमारा ट्रेलर लॉन्च था, और इसमें मैं एक जनरल की भूमिका में हूँ. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरहद के इस पार और उस पार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों फौजी एक अहम डिसीजन लेते हैं जिसमें जनरल की मंजूरी की बहुत ज़रूरत होती है, पर वो बात इस हद तक बढ़ती है कि फिर हमें PM तक जाना पड़ता है. तो मेरी एक भूमिका एक जनरल की है, और ये जो हैं उसमें एक मुख्य भूमिका में हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, और मेजर बलबीर की भूमिका में हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं मनीष भाई. अभी आप कुछ बताना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में, आप बताइए. मेरा किरदार है कैप्टन जस्सी फिल्म में, और मेरे लिए एज एन एक्टर ये काफ़ी ट्रिकी था रोल प्ले करना. हर एक एक्टर को अपना रोल बड़ा ट्रिकी लगता है, तो आई एम नॉट एक्सेप्शनल केस, मुझे भी बड़ा ट्रिकी लगा अपना पार्ट. ये कैरेक्टर ऐसा है जो कि फिल्म में ह्यूमर भी क्रिएट कर रहा है, एक्शन भी कर रहा है, फाइट भी कर रहा है, रोमांस भी कर रहा है, सो इट हैज़ वेरी शेड्स. और थिएटर करने के बाद में और दो फिल्में फगली और गोलू पप्पू करने के बाद में सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर जो मेरी लाइफ में था वो कैप्टन जस्सी का था,
क्योंकि इसमें काफ़ी रेंज थी और काफ़ी कुछ था, इसमें रंग काफ़ी थे जी। सर आप बताइए आपकी किरदार के बारे में। जब मुझे पहली बार डायरेक्टर सर ने सुनाया बलबीर मुझे प्ले करना है, तो मैंने, मुझे याद है मैंने जब ऑडिशन दिया था, सबसे अजीब सी चीज़ हुई, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ। पिक्चर आधी कंप्लीट होने के बाद मुझे पता चला, मुझे डायरेक्टर सर कहते हैं कि मुझे, मैं तेरा ऑडिशन सबसे घटिया था, बेकार था, इसीलिए मैंने तुझे बलबीर के लिए लिया। और ये बात सही है एकदम, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा था। मैं कहा सर आपने तो बहुत कॉन्फिडेंस मेरा हाई कर दिया, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा था। बाकी मुझे लगता है शूट बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फिल्म के लिए कि इट हैज़ टू बी रियल लोकेशन, और मैं सबसे खुश ये हुआ था कि हम रियल लोकेशन पर शूट किया, 40-50 दिन वहीं रहे। मुझे इतना भी याद है कि वहाँ पर जब हम शूट करते थे वहाँ पे एक वॉशरूम भी नहीं होता था, तो हमें खुले में जाना पड़ता था, ओपन करना पड़ता था, हम इतना उस कैरेक्टर के अंदर गए थे। तो ये चैलेंजेस ऐसे जब फिल्म बनती है ना, तो ये बहुत मज़ा आता है, और ये मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ थी इसकी कि बहुत रियल एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि सिर्फ वॉर फिल्म नहीं है, इट हैज़ अ वेरी गुड ट्विस्ट, जैसे कि बताया गया था USP फिल्म की क्रिकेट मैच, तो वो एक जो एंगल है जो आप फिल्म में आपको पता चलेगा। आप थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए सर, आपका किरदार किस तरह का, पाकिस्तान का रोल आपने निभाया है, क्या है आपकी नेगेटिविटी है पाकिस्तान में? यार मैं पाकिस्तान का रोल, ये पाकिस्तानी आर्मी का सोल्जर प्ले कर रहा हूँ, शोएब जमाल नाम है इस कैरेक्टर का। और ये क्या है, ये आदमी चाहता नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कुछ भी अच्छा हो, तो ये कुछ ना कुछ कांड करता रहता है, जिसको जहाँ लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं तो ये बिगाड़ देता है उन चीज़ों को। तो ये कमाल की बात है कि मैं क्राइम पेट्रोल करता हूँ, और क्राइम पेट्रोल में मैं पुलिस का करेक्टर करता हूँ, और यहाँ पे मैं आर्मी का करेक्टर करता हूँ। तो मतलब मुझे बहुत मज़ा आया इस करेक्टर को करने में, बहुत एंजॉय किया, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। फिल्म में कुछ एक ट्विस्ट है, एक क्रिकेट मैच का क्या है यार? मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट आपके सामने बैठे हैं। yes. दो कैरेक्टरों की मौत होती है, एक पाकिस्तानी आर्मी की, वो सोल्जर है जमाल, और एक इंडियन आर्मी सोल्जर, वो कैरेक्टर है बलबीर। तो ये ट्विस्ट है, इससे ज़्यादा ट्विस्ट आप न पूछिए तो अच्छा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 11 जनवरी को आके पिक्चर देखें और ट्विस्ट का आनंद उठाएं। थैंक यू सो मच। बड़ी फिल्म आ गई, क्या कहना चाहिए बटालियन 609 के बारे में? बटालियन 609 इंडिया पाकिस्तान पे वॉर बेस्ड है। बेसिकली 1947 से जो झगड़ा चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, कश्मीर को मुद्दे के लगे, जगह के मुद्दे को लेकर, उसी के ऊपर बेस है ये फिल्म। सर आप कुछ बताना चाहेंगे, दुबई से आप भारत आए ये फिल्म बनाने के लिए? मैंने बता दिया है पहले कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत छोटी सी उम्र में मैं दुबई चले गया था, तो मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, और हमारे जो एक डायरेक्टर साहब है इन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा, और मैंने एक्चुअली उल्टा है, इन्होंने मेरा ज़्यादा साथ दिया है। हाँ उल्टा है, बोल सकते हैं सभी बोल सकते हैं। सर फिल्म की स्क्रिप्ट में आपको क्या पसंद आया कि आप ये फिल्म करना पसंद? क्यों, देशभक्ति के साथ जुड़ी हुई थी वो पिक्चर, देशभक्ति बेसिकली। सर क्रिकेट का क्या लॉन्च है? 11 जनवरी 2019। ओके, शोएब बिग एक्टर है फिल्म में, क्या कहना चाहिए, कैसा आपने कास्ट किया उसको, थोड़ा सा वो बताइए। मैंने राउंड अबाउट 200 से 300 लोगों का ऑडिशन लिया था, बेसिकली इट वाज ऑडिशन। शोएब स्टूड आउट समथिंग दैट ही हैड अ पोटेंशियल ऑफ कामराज, एक एंगर चाहिए था, एक इमोशन चाहिए था, जो चीज़ें शोएब का मेरे कैरेक्टर कामराज में थी वो शोएब में दिख रही थी, दैट्स वाई द रीजन ऑफ कास्टिंग वॉज कामराज शोएब इब्राहिम। 11 जनवरी को फिल्म रिलीज होने जा रही है, कम वक्त है, तो कितना की प्रमोशन होगी फिल्म की और कितने प्रिंट थिएटरों में? देखिए प्रिंट और थिएटर के बताने की जिम्मेदारी बिग कर्टन की है, आई थिंक ही विल बी द बेटर आंसर, बिग कर्टन देखिए। लेकिन जहां तक प्रमोशन की बात है, प्रोड्यूसर साहब ने सब कुछ डाल दिया अपना इसमें, ही हैज पुट हार्ट, इमोशंस, मनी, और सबसे बड़ा इमोशनल इकोनॉमिकल सपोर्ट, ही हैज पुट इन एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तीनों के बाद आप दिख रहे हैं मीडिया के साथ। मैं इस बटालियन 609 के बारे में कहना चाहूँगा, मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है ट्रेलर, और सभी मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जो इसमें हैं बहुत ही इंटेंस परफॉर्मेंस उनकी देखी है मैंने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वॉर के ऊपर एक अलग कंसेप्ट लेके फिल्म आने वाली है, जिसका
क्रिकेट का गेम उसका एक तो वॉर की गेम में क्रिकेट का गेम है ये डबल गेम उसमें दिख रहा है और मुझे लगता है कि लोगों को ये पसंद आएगी। मैं बहुत होपफुल हूँ इस फिल्म के बारे में और मिस्टर ललमानी और मिस्टर ब्रजेश की ये पहली फिल्म है और वॉर के बारे वॉर को लेके फिल्म बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत ही मुश्किल काम है जो कि इन लोगों ने किया है। मेरी दुआएं हैं इनके साथ, फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। ओके सर, जिस तरह से फिल्म बनाया गया वॉर स्पेस में, आप कैसे देखिए हमारे आर्मी को इस तरह से? हमारी आर्मी में ब्रेवरी की कमी नहीं है, बहुत ही बहादुर आर्मी है हमारी। सिर्फ जब जब भी हमको ये देखने में आया है कि उनके हाथ बांधे गए हैं और राजनीतिक रूप से उनको कंट्रोल किया गया है और इस वजह से वो कई जगह बहुत ही अपमानित भी हुए हैं, हम सब देखते ही हैं, हमको मालूम है जम्मू कश्मीर जो जो हालात रहे हैं। लेकिन अब उनके हाथ खुले हैं तो अभी आपने देखा होगा कि एक एक करके जिस तरह से ये टेररिस्ट ख़त्म हो रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सो आर्मी के बारे में मैं बहुत होपफुल हूं और उनकी ब्रेवरी को लेके मैं उनके साथ खड़ा हूं। मुझे तो कभी डर नहीं लगता और ना मुझे डर लगेगा, ये मेरा देश है और इस देश में रहने वाले हिंदू हों, मुस्लिम हों, क्रिश्चियन हों, सिख हों, सभी मेरे अपने भाई बंधु हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये उनका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। तो वो भी उनके अपने व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत विचार हैं, सबको अपने विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यहाँ पर, वो आप सब अपने अपने हिसाब से बुला करते हैं। तो इस बात को लेकर गृहमंत्री ने भी उनका खंडन किया इस बात को लेकर, तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है इस देश को लेकर और इस देश का, गृहमंत्री ने उनके बात का खंडन किया, उनके स्टेटमेंट का खंडन किया। मैं भी खंडन करता हूँ, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये उनका अपनी व्यक्तिगत राय है। और कुछ एक नई फिल्मों के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, जो मेरी फिल्में आने वाली हैं। हाँ, आपकी फिल्म के बारे में बताइए सर। तो जनवरी में मेरी दो फिल्में, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। 11 जनवरी को जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, प्रहलाद नैलानी साहब की रंगीला राजा, आपने सुना होगा, बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई थी इसके बारे में, वो फिल्म रिलीज़ हो रही है, बहुत ही क्रूशल रोल है मेरा उसमें। 30 जनवरी को एक हॉलीवुड की पिक्चर रिलीज़ होने वाली है, द गांधी मर्डर, उसके भी अभी ट्रेलर आ गया है और बहुत ही इफ़ेक्टिव लग रही है वो। पहले अभी हॉलीवुड में रिलीज़ हो रही है 30 जनवरी को, पहले अमेरिका में। तो ये दो फिल्में हैं जनवरी में और एक फिल्म है फरवरी में, उसका नाम है मैं आऊँगा ज़रूर। ये फिल्म हमने पूरी स्विट्ज़रलैंड में शूट की है और चंद्रकांत सिंह ने यह फिल्म डायरेक्ट की है। एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें मैं पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ जो मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है। इसके बाद मार्च में एक और फिल्म है, मतलब लाइन से लगभग हर महीने एक फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है। मार्च में जो फिल्म रिलीज़ होने वाली है उसका नाम है झलकी। झलकी ये एक चाइल्ड लेबर के ऊपर फिल्म है, उसमें बोमन ईरानी वगैरह हम सब लोग हैं इसमें, इसमें मैं एक दलाल का कैरेक्टर कर रहा हूँ। फिल्म बहुत ही अच्छी है। इस तरह से ये तकरीबन 4 फिल्में हैं जो मेरी अभी जनवरी फरवरी मार्च में रिलीज़ होने वाली हैं। क्रिसमस मैं दुआ करता हूँ देश में खूब सुख शांति और प्रॉस्पेरिटी आए
सभी लोग खुशहाल हों, ऑल द बेस्ट, गुड लक। बताओ क्या कहना चाहेंगे आज फिल्म के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, फिल्म के बारे में, फिल्म बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। मैं यहाँ पर अपने भाई शकील हाशमी के लिए आया हूँ, उनको सपोर्ट करने के लिए। वो इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सिर्फ उनके लिए आया हूँ। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और बाकी इनके प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, इनके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई एम ओनली फॉर शकील हाशमी। बहुत कमाल ट्रेलर था। हाँ वाह, क्या ट्रेलर था यार, ट्रेलर था अमेजिंग, ट्रेलर था भाई, मज़ा आ गया जी। ओके सर, जैसे कि बिग बॉस खत्म होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? कौन जीतेगा? सौमी महारोज की है, दीपिका है, श्रीशांत है, दीपक ठाकुर है, रोमिल चौधरी है, क्या कहना चाहेंगे दीपक ठाकुर के बारे में? देखिए, बेसिकली बिग बॉस को मैं फॉलो कर रहा हूँ वूट पे, बिकॉज मैं यहाँ इंडिया ज़्यादा होता नहीं हूँ, यूके यूएस कॉन्सर्ट थे मेरे, मिडल ईस्ट में थे, लेकिन मैं वूट पे और ऑनलाइन देख रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा वो जो एंटरटेनमेंट फैक्टर था वो बिग बॉस में इस बार मिसिंग था, लेकिन वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। हम बिग बॉस 8 में थे, तो हमारा बिग बॉस जो था 4.5 महीने चला, तो मतलब सारी TRP तोड़ दी, उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इन लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा किया, और मेरे हिसाब से जो अब लग रहा है ये लास्ट फिनाले वीक में, मुझे लगता है कि जैसे श्रीशांत, उनके लिए हर चीज़ राइट जा रही है, रोमिल दीपक, दीपिका थर्ड फोर्थ पे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन रोमिल और श्रीशांत फर्स्ट सेकंड पे नज़र आ रहे हैं मुझे। अरे भैया, महिला के ऊपर गलत बात इस बार तो ऐसा हुआ है, बिलो द बेल्ट मारा है हर चीज़ पे, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट नहीं आया। जैसे दीपक जो था शुरू में एंटरटेनमेंट लेके आया, गा रहा था, फिर वो गेम में इतना बिजी हो गया कि वो छूट गया। जैसे हम लोग क्या है, मस्ती करते, लड़ाई है तो हमने बहुत किए, लेकिन हम मस्ती करते थे, इसको खींच, इसको इधर की उधर किया, मस्ती किया, इन्जॉय किया, जो भी किया, आई वॉज मेकिंग श्योर दैट एंटरटेनमेंट आना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वॉज देयर फॉर। लेकिन इस बार एंटरटेनमेंट फैक्टर वो है नहीं, वो मज़ा नहीं आ रहा है, और बस वीकेंड में सलमान सर को देखने आते हैं, बिकॉज सलमान सर इज़ लुकिंग ग्रेट, इज़ डूइंग गुड एज ऑलवेज, तो उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन कंटेस्टेंट से थी वो उस लेवल पर नहीं हो पाया। नहीं, मुझे नज़र नहीं आता। देखिए, रोमिल जो है बेसिकली वो मैनिपुलेटिव दिमाग से खेलने वाला बंदा था, जो कि बहुत अच्छा जा रहा था, वो भी एंड में डाउन हुआ है आके, जिस हिसाब से उसको जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया, वो उस प्रेशर नहीं झेल पाया, बिकॉज बिग बॉस के घर का प्रेशर झेलना कोई आसान बात नहीं है, इट्स ए वेरी बिग थिंग। वो एक ऐसी जगह है कि बड़े बड़ों के बिग बॉस के घर में सिर्फ बिग बॉस ही खेलते हैं, कोई दूसरा कंटेस्टेंट खेलता नहीं। मैं 4.5 महीने रहा हूँ यार, मुझसे आप पूछिए, बिकॉज इट्स ए क्रेजी हाउस। तो वहाँ पर सोमिल, रोमी, इनकी केमिस्ट्री लोग बनाने की कोशिश की, दीपक ने अपनी केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की, एंगल लगाने, बिकॉज वो प्री प्लान्ड थे, वो प्लान करके आए थे, और बिग बॉस में प्री प्लान चलता नहीं, अच्छे अच्छों की हो जाती है बिग बॉस के घर में। सर, आपके एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपको इस देश में रहने को डर लगता है? भाई, मैं तो इस देश में डराता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत सारे प्यारे दोस्त हैं जिनके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मेरे गेम से डरते हैं, मेरी एक्टिंग से डरते हैं, मेरी सिंगिंग से डरते हैं। क्या यार, मेरा हिंदुस्तान दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है। मैं वर्ल्ड में अमेरिका, यूके, यूएस, मिडल ईस्ट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, हांगकॉन्ग, पूरी दुनिया में घूमा हूँ, और वहाँ के घूमने के बाद, वहाँ पर काम करने के बाद, जब अपने देश में आता हूँ, जो सुकून मुझे इमिग्रेशन पास करके मिलता है अपने देश में, वो कहीं नहीं मिलता है। सब बकवास बातें हैं, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मेरा देश यहीं पैदा हुआ, यहीं मरेंगे, किसी को जो लगता है लगने दो भाई, हिंदुस्तान से अच्छा देश पूरी दुनिया में नहीं है। थैंक यू।